हेलो फ्रेंड्स, पुरुष में जो कैंसर होते हैं उसमें से 50% नियरली कैंसर हिडन नेक के होते हैं। हिडन नेक का मतलब है लिप का, टंग का, टॉन्सिल का, जबड़े का, स्वर पेटी का कैंसर, और बाहर साइड देखो तो थायरॉयड, पैराथायरॉयड या तो लाल गंधे का कैंसर होता है। इसमें 4 स्टेज होते हैं। इसमें स्टेज 1 और 2 में जो रिजल्ट आते हैं वो स्टेज 3 और 4 में नहीं आते हैं, और सर्जरी मेन ट्रीटमेंट इसकी रहती है। सर्जरी में भी बहुत टेक्निकल नया नया आया हुआ है, जिससे हम अपना अच्छी तरह से ऑपरेशन करके अच्छा रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। नई प्लास्टिक सर्जरी जो हमारी सिम्स हॉस्पिटल में हो रही है उसे माइक्रोवास्कुलर सर्जरी रहती है, जहाँ हाथ की चमड़ी, पाँव की चमड़ी या तो पाँव की हड्डी लेके नया जबड़ा बना सकते हैं, लिप बना सकते हैं, टंग बना सकते हैं, और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। कैंसर होने का मेन कारण जो है वो टोबैको है, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे यंगस्टर्स अर्ली एज में टोबैको खाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से 35 टू 50 इयर्स के एज के अंदर के लोगों को हिडन नेक कैंसर ज़्यादा होता है। आपने पहले भी बताया कि इसकी मेन ट्रीटमेंट है सर्जरी है, और उसमें लेसर सर्जरी भी नई आई है, जिससे हम लेरिंग्स या तो स्वर पेटी जो बोलते हैं उसको बचा सकते हैं। शॉर्ट में मुझे ये बताना है कि कैंसर का मेन कारण टोबैको है। हमें टोबैको नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, और किसी को खाने भी नहीं देना है। और सिम्स हॉस्पिटल में सर्जरी के डिपार्टमेंट के अलावा रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट और कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट अच्छी तरह से हो रहा है, और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो मेरी सबसे सलाह है कि आप स्टेज 1 और 2 में कैंसर की निदान करवाएं और उसकी ट्रीटमेंट करें। सिम्स इज अ कॉलिंग, अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू डेस्टिनेशन।